किसान संगठनों से बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत 30 दिसंबर को दिन में दोपहर 2 बजे होगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी। आम आदमी पार्टी ने सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई लगाने का ऐलान किया है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई लगाने की मांग की थी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं और किसानों के पक्ष में हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को ही फैसला करना है, जल्द समाधान की उम्मीद। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, किसान पर मित्रों वाले कानून की वार, यही है मोदी सरकार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नगर निगम में हुए चुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा है और उन्हें विश्वास है कि जीत बीजेपी की होगी। चरखी दादरी में आप कार्यकर्ताओं ने बाढ़ा से विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नैना चौटाला से इस्तीफे की मांग की और किसानों का साथ देने को कहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल को लोहारू हलके की अठगामा खाप के गांवों में नहीं घुसने देने के फैसले पर खाप ने किनारा कर लिया है। लाखलाण खाप के प्रधान ने कहा है कि बहल पंचायत से कोई लेना देना नहीं, खाप की ओर से बहल में कोई पंचायत नहीं। किसान आंदोलन की मार, पंजाब में मोबाइल टावर पर पड़ रही है। अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावर की बिजली काट दी गई तो कई जगह पर तार के बंडल जला दिए गए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के क्षेत्र की खापों ने चिट्ठी अभियान शुरू कर दिया है। जींद के खटकर टोल प्लाजा पर हुई पंचायत के माध्यम से पीएम को भेजी गई चिट्ठी में खापों और किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की गुहार लगाई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल पर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए टोल रखवा दिया है और टोल पर काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे धरने पर मौजूद हैं। भवानीखेड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने जाम लगा दिया। बसों की मांग को लेकर कॉलेज की छात्राओं ने भवानीखेड़ा में भिवानी हांसी मार्ग पर जाम लगा दिया। इंद्री के गांव कादराबाद के ग्रामीणों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी। इस रोक के लिए ग्रामीणों ने बकायदा गांव के प्रवेश द्वार पर एक बैनर भी लगाया है। डिग्री बॉर्डर पर कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल एक बार फिर से शुरू कर दी है। 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने एक बार फिर से कृषि अध्यादेशों को रद्द करने की मांग दोहराई है। किसानों के ने आह्वान किया है कि सिरसा के सुभाष चौक पर 31 दिसंबर को रात को कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें शहर के लोग किसानों के साथ जश्न मनाएंगे। कल आएंगे नगर निगम चुनाव के नतीजे। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मेयर के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल और पार्षद की वोट की गिनती के लिए 10 टेबल लगाई गई हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। अंबाला के रिटर्निंग ऑफिसर अशोक शर्मा ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई। अंबाला में मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अंबाला के एसपी हामिद अख्तर ने मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अंबाला नगर निगम चुनाव के बाद बनाए गए स्ट्रांग रूम में कैद ईवीएम मशीनों की निगरानी को लेकर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में एक विवाहिता ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। विवाहिता ने घर में बने वाटर टैंक में कूद कर खुदकुशी की है। बताया जा रहा है घरेलू कलह के चलते परेशान थी। निजामुद्दीन से जबलपुर जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी को रोककर चेक किया गया। ट्रेन करीब 1.25 घंटे से स्टेशन पर खड़ी है। करनाल के जिला अंत्योदय सरल कार्यालय में बिजली न होने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यालय ने बिजली का बिल नहीं भरा है, जिसके चलते बिजली विभाग ने इनके कार्यालय की लाइट काट दी है। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले युवा किसानों ने रिलायंस स्मार्ट के बाहर प्रदर्शन किया है। लोगों से रिलायंस स्मार्ट से सामान न खरीदने की अपील की है। भवानीखेड़ा के स्कूल का पूर्व स्टाफ अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर लगातार 9 दिन से स्कूल के गेट के आगे धरने पर बैठा है। थाना प्रभारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और प्रबंधन से बातचीत कर मामले में धरना उठवा लिया है।
भिवानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुए मकानों की राशि को लगभग एक साल हो गया है, अभी तक लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, इसलिए लोगों ने परेशान होकर नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में एक कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार में बैठे शख्स की जलकर मौत हो गई। 65 वर्षीय बुजुर्ग की कार में जलकर मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद आग लगाकर कार में आत्महत्या की। एसोसिएट स्पॉन्सर विमल, बोलो जुबा केसरी। करनाल में गेटेड सोसाइटी में लग्जरी फैसिलिटीज के साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अब अपना घर होगा अपने प्लॉट पर। शानदार फुली डेवलप्ड लोकेशन पर 117 गज के प्लॉट्स, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 28A में, NDRI और न्यू ISBT के बहुत नजदीक। सिर्फ 23,16,000 रुपए में खरीदिए प्लॉट और बनाइए अपने सपनों का घर। मेरे जैसा कोई दूसरा चल बुला, जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रबी मौसम 2020-21 के लिए 7 जिलों अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में लागू किया जा रहा है। सभी किसान भाई जो गेहूं, सूरजमुखी, सरसों, जौ और चना की खेती कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा हेतु